सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का लेक्चर नंबर 21 है। माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 20 में मैंने वुडन जॉइंट्स के टाइप सेकंड को कंप्लीट करा दिया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है लॉकिंग डिवाइस इन नट्स, मीन्स नटों की तालाबंदी की युक्तियां कौन कौन सी होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 20 और 19 में मैंने वुडन जॉइंट्स के टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड में कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो लॉकिंग डिवाइस इन नट्स हैं। लॉकिंग डिवाइस इन नट्स, जिसका अर्थ हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो नटों की तालाबंदी युक्तियां, अर्थात माय डियर स्टूडेंट्स, हम इससे पहले वाली वीडियो के अंदर ये जान चुके हैं कि फाउंडेशन बोल्ट्स में हम विभिन्न प्रकार के नट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे हेक्सागोनल नट और स्क्वायर नट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल नट की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नट्स का हम प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की मशीनों को उनके फाउंडेशन बोल्ट्स पर दृढ़तापूर्वक पकड़ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम उन नट्स के साथ कोई ऐसी युक्ति का प्रयोग करें जिसके द्वारा नट्स को हम लॉक कर सकें, अर्थात जब मशीन वर्क करती है तो उसके अंदर कंपन उत्पन्न होते हैं, जैसे वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस उत्पन्न होने के कारण नट्स ढीले पड़ जाते हैं, जिस कारण से मशीन के वाइब्रेशन होने के कारण गिरने का खतरा बना रहता है। जिससे हम अगर नट्स के साथ कोई ऐसी युक्ति का प्रयोग करें जिसके द्वारा नट्स को हम लॉक कर सकें, जिसको हम लॉकिंग डिवाइस कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम विभिन्न प्रकार के लॉकिंग डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस, किन किन डिवाइसों के द्वारा हम नट्स को लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डिवाइस आती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आती है लॉक नट। सबसे ज्यादा इस लॉकिंग डिवाइस का हम यूज करते हैं लॉक नट, और इसका दूसरा नाम है चेक नट। सेकंड वन इज लॉकिंग बाय स्प्लिट पिन। थर्ड टाइप आता है आपका कैसल नट। फोर्थ पॉइंट आता है आपका स्लॉटेड नट। फिफ्थ पार्ट आता है आपका लॉकिंग प्लेट की सहायता से भी हम इसको लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका सन नट, SAWN, सन नट। एंड लास्ट सेवेंथ पॉइंट आता है आपका लॉकिंग बाय स्क्रू की सहायता से भी हम नट्स को लॉक कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लॉक नट की सहायता से हम नट्स को किस तरीके से लॉक करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो जनरली हम इसको थ्री टाइप से लॉक कर सकते हैं लॉकिंग नट की सहायता से। सेकंड में यहां पर बना दूंगा, थर्ड हम यहां पे ले लेंगे।
ऑलराइट, तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक बेस ले लेते हैं, मशीन बेस मान लेते हैं इसको. ऑलराइट, दिस इज द मशीन बेस. मैं यहाँ पर ये, यहाँ से हमने इसको क्रॉस कट कर दिया है. ऑलराइट, अब इसके अंदर हमने एक होल किया हुआ है, क्योंकि इसी के अंदर हम बोल्ट के ऊपर लॉक नट लगा सकते हैं. ये हमने मान लिया कि इसमें हमने ये होल कर दिया है. ऑलराइट, अब इसमें हमने एक फाउंडेशन बोल्ट है. सपोज दैट दिस इज द फाउंडेशन बोल्ट विच डायमीटर इज डी, और सपोज दैट यहाँ तक हमारी थ्रेड है. इसमें 1 mm अंदर चल कर हम थ्रेड बना देते हैं, सॉरी 1 mm अंदर चल के. ऑलराइट, अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले नीचे लॉक नट और ऊपर मेन नट को यूज करके हम लॉक कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉक नट की जो हाइट होती है, जनरली अगर हम नट्स की बात करें, हेक्सागनल नट की हम बात करें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं हेक्सागनल नट की. हेक्सागनल नट की अगर हम हाइट की बात करें तो वो होती है डी. डी आप कुछ भी मान सकते हैं, सपोज दैट डी इक्वल्स टू 20 mm हम मान लेते हैं. ऑलराइट, तो हम 20 mm डी पर, मींस इसका डायमीटर है, डी इज द डायमीटर, दिस मींस सेंटर लाइन से 10 इधर और 10 इधर. ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो लॉक नट होता है, अगर हम लॉक नट को नीचे यूज कर रहे हैं या ऊपर यूज कर रहे हैं, तो लॉक नट की जो डिस्टेंस होती है, अगर हम मेन नट के साथ लॉक नट, एक लॉक नट यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो ऊंचाई होगी लॉक नट की, वो होगी 0.6D. ऑलराइट, तो 0.6D का अर्थ ये हो जाता है कि अगर मैं 20 से मल्टीप्लीकेशन करूँ 0.6D को, तो 0.6D इक्वल्स टू हाइट हो जाएगी 20, डी इक्वल्स टू 20 है, तो 0.6 इंटू 20 इक्वल्स टू हाउ मैनी, 1.2 सेंटीमीटर या फिर 12 mm. ऑलराइट, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम इसके बेस से 12 mm ऊपर चलते हैं, 12 mm हम ऊपर चलते हैं और एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं लाइक दिस. ऑलराइट, और यहां से हम डी बाय टू इधर चलते हैं और डी बाय टू इधर चलते हैं. तो डी बाय टू सपोज दैट दिस वन, और डी बाय टू सपोज दैट दिस वन. ऑलराइट, अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम 2D पीछे आते हैं, 2D पीछे आते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेते हैं, यहां से तक की डिस्टेंस लेते हैं और एक आर्क लगा देते हैं लाइक दिस. ऑलराइट, अगेन यहां पर भी यही प्रोसेस हम कर सकते हैं, या फिर हम सर्किल मास्टर की हेल्प से आर्क लगा सकते हैं लाइक दिस, और इधर भी हम सर्किल मास्टर की हेल्प से आर्क लगा सकते हैं. सेम प्रोसेस हमें इस हेड पर भी करना है, क्योंकि लॉक नट में दोनों ओर चैम्फरिंग होती है. यहां से हम 2D ऊपर चलते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेते हैं और एक आर्क क्रिएट कर देते हैं, आर्क लगा देते हैं लाइक दिस. अगेन सर्किल मास्टर की हेल्प से हम दोनों आर्क को क्रिएट कर देंगे लाइक दिस. ऑलराइट, अब माय डियर स्टूडेंट्स, मेन नट बनाना है, तो मेन नट की हाइट डी है, तो यहां से हम डी ऊपर चलते हैं, डी इज द 20, देन यहां से हम 20 mm ऊपर चलते हैं और यहां से हम प्रोजेक्शन लेते हैं, दिस इज द डी बाय टू एंड ऑल्सो दिस इज द डी बाय टू. यहां से हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं लाइक दिस. नाउ अब इस पॉइंट से हम 2D नीचे चलते हैं, वहां से उस पॉइंट से वहां तक का डिस्टेंस लेते हैं, कंपास से हम एक आर्क लगा देते हैं लाइक दिस. ऑलराइट, देन सेम प्रोसेस हमें इधर भी करना है, सर्किल मास्टर से या फिर हम कंपास से आर्क लगा देते हैं सेम जैसे हमने यहां प्रोसेस किया था. इस पॉइंट से 2D ऊपर चलना है, वहां से यहां तक डिस्टेंस लेनी है,
कर्ल लगा देना है लाइक दिस। अब इन दोनों के क्रेस्ट को आपस में मिला देना है, इन दोनों के क्रेस्ट को आपस में मिला देना है ऑल राइट। और यहाँ पर आप इस बोल्ट के एंड को भी शो कर सकते हैं लाइक दिस। ये थ्रेडिंग का है लाइक दिस। यहाँ मैं इसके डायमेंशन शो कर देता हूँ, दिस इज द डी एंड दिस इज द डी बाय टू, दिस इज द डी, दिस इज द डी एंड दिस इज द डी बाय टू, दिस इज द डी एंड दिस इज द 0.60। दिस इज द डी, दिस इज द 0.60 राइट। यहाँ पर मैं सेक्शन दिखा देता हूँ, दिस इज द मेन नट, दिस इज द लॉक नट, और इसको हम चेक नट भी बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम माय डियर स्टूडेंट्स हम इस लॉक नट को ऊपर ले रहे हैं और मेन नट को नीचे ले रहे हैं। तो सिंपल है, सेम एज इट इज यही बनेगा। यहां पर हम प्रोसेस उल्टा कर देंगे, पहले हम मेन नट को नीचे रख लेते हैं और लॉक नट को ऊपर रख लेते हैं। दिस इज द बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट, द थ्रेड यहां तक है। नाउ सबसे पहले हम डी ऊपर उठा लेते हैं, देन डी बाय टू एंड देन डी बाय टू। यहां पर मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूं। इस पॉइंट से माय डियर स्टूडेंट 2D पीछे चलते हैं, उस 2D से यहां तक की डिस्टेंस कंपास में लेते हैं और एक आर्क लगा देते हैं लाइक दिस। अगेन कंपास से या सर्किल मास्टर से हम दोनों एंड पर भी आर्क लगा देते हैं। इस पॉइंट से हम 2D ऊपर चलते हैं, डी इज द 20 देन 40 mm हम ऊपर चलते हैं, यहां से तक डिस्टेंस लेते हैं, एक आर्क और लगा देते हैं लाइक दिस, और इनके दोनों साइड में भी हम सेम आर्क इधर लगा देते हैं लाइक दिस ऑल राइट। और इसके क्रेस्ट को इसके क्रेस्ट से ऐसे मिला देते हैं, इसके क्रेस्ट को इसके क्रेस्ट से ऐसे मिला देते हैं ऑल राइट। अब माय डियर स्टूडेंट्स ऊपर लॉक नट लगा हुआ है, तो लॉक नट की जो हाइट होती है वो 0.60 होती है, तो 0.60 हम ऊपर चलते हैं, 12 mm हम ऊपर चलते हैं, यहां से 12 mm हम ऊपर चलते हैं और एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं लाइक दिस, लाइक दिस। ऑलराइट, एंड इस पॉइंट से 2D हम पीछे चलते हैं और डिस्टेंस लेकर एक आर्क क्रिएट कर देते हैं, अगेन एक आर्क और क्रिएट करते हैं, अगेन एक और आर्क क्रिएट कर देते हैं, सेम प्रोसेस हम इधर भी कर देते हैं लाइक दिस, और इन दोनों की क्रेस्ट को आपस में मिला देते हैं, इधर भी सेम ऐसे करते हैं लाइक दिस ऑलराइट। थोड़ा सा ऊपर बोल्ट निकाल देते हैं थ्रेडिंग पार्ट, ऊपर वाला हमारा लॉक नट है लॉक नट,
एंड दिस इज द मेन नट. दिस हाइट इज 0.60 एंड दिस इज द डी. जीरो पॉइंट सिक्स डी एंड दिस इज द डी. ये पार्ट हमारा मशीन का है जो हमने सेक्शन किया है, फुल इन सेक्शन. तो यहाँ हमने एचिंग दिखा दी. लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम दोनों के दोनों लॉक नट यूज करते हैं तब हम इसको कैसे लॉक करते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम मशीन के बेस को फाउंडेशन बोल्ट के ऊपर जब दोनों लॉक नट का इस्तेमाल करके हम नट को लॉक करते हैं तो वहां पर हमारे जो लॉक नट की जो हाइट हो जाती है वो हो जाती है 0.8 डी. याद रखिएगा 0.8 डी. ऑलराइट, देन डी इज द डायमीटर का हमने ये बोल्ट बना दिया है. देन 1 1 mm अंदर चल के हम थ्रेडिंग दिखा देते हैं लाइक दिस. ऑलराइट, देन 0.8 डी हम ऊपर चलते हैं, इधर से 0.8 डी हम ऊपर चलते हैं. ऑलराइट, देन DY2 इधर एंड अगेन DY2 इधर. ऑलराइट, और एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं मैं यहां पर लाइक दिस. ऑलराइट, अब माय डियर स्टूडेंट्स यहां से 2D पीछे चलते हैं, डिस्टेंस लेते हैं हम और फटाफट आर्क लगा देता हूं मैं लाइक दिस लाइक दिस. ये आर्क आप कंपस से और सर्किल मास्टर से भी लगा सकते हैं. अगेन इस पॉइंट से 2D पीछे चलते हैं, यहां से डिस्टेंस लेते हैं कंपस में और आर्क क्रिएट कर देते हैं लाइक दिस. अगेन कंपस से या सर्किल मास्टर से आप आर्क क्रिएट कर देते हैं लाइक दिस. ऑलराइट, अब माय डियर स्टूडेंट्स यहां से अगेन हम 0.8D ऊपर चलते हैं और एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं. 0.8D में इन लाइनों को उठा लेता हूं ऊपर, इन लाइनों को 0.8D ऊपर उठा लेता हूं और एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं लाइक दिस. अब हम माय डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट से अगेन 2D नीचे आते हैं और वहां से डिस्टेंस लेते हैं कंपस में और एक आर्क क्रिएट कर देते हैं. ऑलराइट, नाउ अगेन इस वाले पार्ट पे भी हम इसी टाइप से आर्क लगा देते हैं, 2D पीछे आते हैं या फिर सर्किल मास्टर की हेल्प से हम दोनों तरफ आर्क लगा देते हैं सेम. ऑलराइट, राइट, और सेम हम इधर भी आर्क लगा देते हैं सर्किल मास्टर या कंपस की हेल्प से. कंपस की हेल्प से आप इसका सेंटर निकाल के 2D पीछे चलकर हम आर्क लगा सकते हैं. नाउ इस पॉइंट पर भी हम सेम इसी तरीके से इसी टाइप से हम आर्क लगा देते हैं. यहां से 2D पीछे चलते हैं, वहां से डिस्टेंस लेते हैं कंपस में और एक आर्क क्रिएट कर देते हैं. नाउ दिस वन इज ऑल्सो सेम. अब हम इन दोनों के क्रेस्ट को आपस में मिला देते हैं. नाउ इन दोनों के बीच में भी हम क्रेस्ट को मिला देते हैं लाइक दिस. अब हम माय डियर स्टूडेंट्स यहां से बोल्ट का कुछ हेड निकाल देते हैं लाइक दिस. दिस इज द थ्रेडिंग पार्ट. ऑलराइट, दिस इज द लॉक नट, दिस इज ऑल्सो लॉक नट एंड विच हाइट इज दिस हाइट एंड दिस हाइट इज सेम. दिस हाइट एंड दिस हाइट इज सेम विच इज 0.8 डी. 0.8 डी एंड दिस इज ऑल्सो 0.8 डी. ऑलराइट, एंड यहां पर हम हैचिंग दिखा देते हैं यहां पर भी. ऑलराइट, दिस इज द
diameter of D. This is also diameter of D, and this is also diameter of D. All right. इसका मैं नाम लिख देता हूँ. This is the locking by lock nut और चेक नट भी बोलते हैं इसको. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आज का मेरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा. प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए. अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लियर कर सकें. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरी वीडियो को देखने के लिए. थैंक यू वेरी मच.